हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की बुलंद आवाज, आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज। लक्सर में देर रात हथियारबंद बदमाशों ने स्टोन क्रेशर पर खनन सामग्री लेने जा रहे ट्रैक्टर चालक को बंधक बनाने के बाद ट्रैक्टर को लूट लिया। बता दें, थितोला गांव निवासी अमजद अपने ट्रैक्टर ट्राली से भाड़े पर सामान ढोने का काम करता है। पासी के खेमपुर गांव निवासी इसरार उसके ट्रैक्टर पर चालक है। वहीं देर रात अमजद ने चालक को ट्रैक्टर ट्राली लेकर स्टोन क्रेशर से रेत लाने को भेजा था। आरोप है कि पीछे से कार में बैठकर आए चार लोगों ने ट्रैक्टर को ओवरटेक करके रुकवाया और तमंचा दिखाकर चालक से ट्रैक्टर की चाबियां ले ली। इसके बाद उनमें से एक ट्रैक्टर लेकर चला गया। बाकी तीन बदमाश चालक के हाथ पैर बांधकर घटनास्थल से काफी दूर खेतों में छोड़कर भाग गए। वहीं मालिक को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। हम घर से आ रहे थे, ड्राइवर लेके आ रहा था घर से, थितोला से सुल्तानपुर मैथोली से बजरी लेने जा रहा था और मैथोली पीर के पास में एक नीले कलर की कार आई, उसने पीछे से ड्राइवर को हाथ दिया आगे निकल के ओवरटेक करके, और चार पांच आदमी ने हाथापाई के बाद ड्राइवर को कार में बिठा लिया और ट्रैक्टर लेके चले गए, ट्रॉली वहीं छोड़ दी गन्ना के खेत में। किस टाइम की घटना है ये? 29 तारीख की रात की 11:20 की घटना है। पुलिस तैयारी दे रखी, पुलिस को तैयारी दे रखी, मुकदमा हो चुका, अब तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया।